आय भवानी बास करो, मेरे घट के पड़ देखो। जिबिया परवासा करो, मेरे शुद्ध शब्द मुख बोल। सरस्वती मैया तुम बड़ी, और तेन दियो उपदेश। आठ पहर 64 घड़ी, मर हृदय बसो हमेश। तो नखत मना रो, एक कलयुग में कैसो फर्चो है। कई नखत मना एक लीला करी है, रतनगढ़ खने जाड़े वो गांव, और जाड़े वो गांव में महेंद्र सिंह जी नाम शेखावत बने नखत मना फर्चो दियो, और कई जीवित दान दियो। कई भगतरी मेहमा है बड़े प्रेम और बड़े भाव सुनिया। हर के सिमरों सुडाला गणपत, गणपत देवने गजानंद प्यारा रे। सिमरू शारद मारी माव, परगतियों मरुदर देश में। हे जी,
तो मैनर सिंह जी शेखावत बना रहा भगत कणी कणी बना। अरे भगवान भी आप रे भक्तों की परीक्षा ले, क्योंकि संसार में मैंने नखत बना मैर कोई हरेक माते को करे, लाखों में नहीं करोड़ों में, लाखों में कोई एक दुके माथे धनी की कृपा हुए, पण दो रिक्वारी होंडी लेनी जिकने 20 बार बाजार ले बोलो दबदनी होंडी नहीं हाथ गले को नहीं। तो भगतरी भी परीक्षा भगवान करे और देवी देवता भी आप रे भक्तरी परीक्षा करे। महेंद्र सिंह जी शेखावत जाले धामरा पुजारी आर पगर महीने ऐसो रोग लागो के शरीर नाड़ा शिकली ब्लॉक होगी और पगाऊ एकदम बैजनो बंद हो गयो। वेटे में सीकर डॉक्टर ने बतायो, डॉक्टर सीधो ऑपरेशन लिख दियो, बोले ऑपरेशन करनो पड़ी। अबे नासेट ने कूड़ प्यारी हुए और विचार करियो जी ऑपरेशन हो के तो खराब हो भाई, उपाय कहीं अपा कने और कहीं टा कोई फाटे ने कारी लाग ही जावे। तो वे टेम में डॉक्टर ऑपरेशन कर दियो और साल भर तक दवाई मत रहे, अपन एक टेम ऐसी आई भगत ने विश्वास भाई हमें डॉक्टर कर दी चुकी होगी, पर नखत बना के डॉक्टर ने करी उड़ी वही कौन करूं तो हूं जानी जो ही। बारह महीना रे बाद रे महीने वो ऑपरेशन इंफेक्शन करियो पाछो और पाछी गड़बड़ हुई। तो कहीं देखो दुख रे महीने कह नहीं का तो देवी देवता याद आवे का भगवान याद आवे। महेंद्र सिंह जी सिखाओ तो विचार करियो के धनी में तो धूतियों करियो है और परमार्थ करियो और परमार्थ करे जो ने परीक्षा ही देनी पड़े कहीं धनी कह बिल्कुल देनी पड़े भाई, बिना परीक्षा दुनिया विश्वास करे कौन। तो वे टाइम में महेंद्र सिंह जी कहीं विचार करे हर के तनड़ो तो दुखी मारो मनड़ो दुखी कछु नहीं
अरे मूरत प्यारी अरे सूरत प्यारी लागनी लागे बीमारी रे बने दवाई गोली कहीं काम नहीं करे जिट्टे में जयपुर हॉस्पिटल में ले जार भर्ती करिया सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में तो वे टाइम में इंफेक्शन री वजह में डॉक्टर पाछो ऑपरेशन करियो ऑपरेशन कर 155 टांका लगया शरीर में पूरे शरीर ने फाड़ दियो और पूरे शरीर ने फाड़ 155 टांका लगाया 155 टांका बहुत होया करे दो टांका लागे जिके में भोगनो बेरो हो जावे 155 टांका शरीर में लगाया पूरे शरीर ने उथड़ दियो और शरीर में 155 टांका लागोड़ा और ऑपरेशन कर पर और छोड़ दियो कई दिन बीत गया बड़े ऐसी अनोखी महिमा हुई भक्तों के भी टांकर महीने खून और ब्लड हो चुको चालू हो गयो अब एक आधो टांको हुए तो रोके खूंद पर 155 टांकर महीने खूंद शुरू हो जावे तो भी मिनख रो जीणो की करो अभी रो जी जाने तीसरो ऑपरेशन करियो पर ब्लड बंद नहीं होयो तीसरो ऑपरेशन करियो ब्लड रे बजाऊं और तीसरे ऑपरेशन में मैंने हॉस्पिटल में भर्ती और 19 घंटा तक होश को करियो नहीं 19 घंटा होश करियो को नहीं डॉक्टर ही विचार करियो अब वो जीव रह को नहीं और गर्रा जिके में भाई और साला हगा जिको ने डॉक्टर हाथ झटक दिया के भैया मशीना सिकली बंद होगी अरे शरीर में प्राण निकल गयो और जी धड़को है तो आधो घंटो या घंटो भर जिए तो जी सके भी हूं हलो जिए कौन तो विचार करियो कि इतो रीतियो लगायो इतो इलाज करायो बड़ी और शरीर रहो कौन जने इतना वर्ष नखत बनारी सेवा करी जिगर कोई फल मिलियो वे टाइम में मन डिग जावे मोटा मोटा रो और मन में विचार आवे कि धनी मैं खाली धूपियो करियो और बबूती बोटी है और दुनिया में परमार्थ करियो भी हूं बतो कहीं काम करियो कौनी और मैन सीनियर मोटा डॉक्टर जके आ और महेंद्र सिंह जी रे भाई ने और भणेज ने एक हाडू आ हगे जको ने कहो के भैया जे देखनो है नहीं तो देख लो आधी घंटा होई में धड़को है ओई बंद होई क्या के मोटी मशीन आज की सब बंद होगी तो ऐसी बात सुने जने रोज मन में और कहीं करे क्योंकि मार जायो भाई वे जिके मन में विचार करे और कहीं देखो मन मन में भाव करे कहीं के वे अरे नैनिया में नीर बीरा ढड़कन लागुर बीरा रोवे रोवे रे मावड़ी रोजायो
साडू डॉक्टर कहता पानी भाई री आंखियां बरीजगी वाणी री आंखियां बरीजगी साडू री आंखियां बरीजगी विचार करियो रे इत्ता महीना लिया फिरिया जिकिरो सार कहीं को निकलियो नी। देखो भक्तों पैसो लगार पैसो उग जावे नी जने जिसोर हो जावे पैसो लगारी पैसो नी उगे नी जने मो यो कलपियो बने रे कोनी। और आईसी रूम में जाफरार वीडियो बनायो बेचेत पड़िया एकदम कान रखने जा रहा भाई रोयो जिकटे में मन में होनी जे खाली पण बोलनो हरूरी बात कोनी क्योंकि 155 टोंका लगोड़ा शरीर पूरो हीड़ियोड़ो पाछो ओवे टेम महेंद्र सिंह जी मन में विचार करियो और धनी ने अरदास करी रे धनी इतना वर्ष में धोपियो करियो और मरने रो धोखो कोनी मने मरनो तो है ही जी में कोई कारण ही कोनी और मरनो तो है ही मोड़ो मरो बेगो मरो आज 10 वर्ष ठेर मरो मौत तो ते है बाकी काम कैंसिल हो सके पर मृत्यु कैंसिल को वे नहीं। और मरनो तो है ही पर दुनिया ने जवाब देना दूरा हो जी क्योंकि दुनिया रे पर्चा होनी उड़ा है कि नखत बना लाशों और लाशों बैठी करे है जने दुनिया कहीं जने के ओ भगत तो गिरी लाश बैठी करी कोनी नखत बुना एड़ा चमत्कारी हा जने महेंद्र सिंह ने जीव दान देता तो मानता मारे बाप जी एक कर मने बैठो कर दो ताकि दुनिया ने विश्वास से जो के नखत बुना है डॉक्टर उत्तर दे दे पण नखत बुना उत्तर को देनी बेटे महेंद्र सिंह की आंखें में आंसू आया जिक टाइम में नखत बुना कल्पना सुनी और जिको आंतरियो हिलो करे नी जिकेरो हिलो सुने आर जरा जरा रोन लागा जिक टाइम नखत बुना रो दिष्टां को और मोरा में थापी लागी के रोए क्यों है भाई कहीं को बिगड़न दो नी मरन को दो नी तैयार करो तने काया रो कष्ट तो काया रो संगत तो और भाई थोड़ो घणो तो भोगनो ही पड़े रे भाई शरीर का कष्ट तो शरीर ही भोगी दूजो कौन भोगी पण मरण को दोनी मन में विश्वास रखी रे भगत ते बबूती बाटी तो एड़ी को जावे नी बबूती बाटी जी की आशीष लियो है आशीष अमर धने पैसो फूट दियो पण आशीष फूटे कोनी भाई आर तने मरण को दोनी जीव दान देऊ तो वे टाइम महेंद्र सिंह ने नखत बुना धीरे बंदायो आर जिकटे में थापी लागी ने जिकटे मशीन ऑटोमेटिक चालू होगी डॉक्टर साहब आप रार देखे तो मशीन हगले टूटा चलू होगी आर जार के भैया कोई न कोई चमत्कार हो गयो कोई भगवान की कृपा होगी अब ये कहीं बिगड़े कौन हो बच गयो जने भाई आर भाणिये आर साधु मन में विचार करियो चमत्कार हो यो जने नखत बुना रोज हो यो और कह रही कोई नहीं क्यों नखत बुना कलयुग में बड़ा चमत्कारी देव है और बड़ी लीला करे आर दुनिया में ने मरुड़ी लाशों बैठी कर दे ई धनी में इतनी करामात है ई बबूती में इतनी करामात है तो बेटे में महेंद्र सिंह बना ने कह दियो के बना जे जीवता नी देवनी तो मिंदर ताड़ो लाग जी क्योंकि मिंदर में धूम पियो करनालो कोई को है नहीं और मिंदर ताड़ो लागोड़ो चौकी बात को है नहीं तो धनी थापी लगा पाछो बैठो करियो जीव दान दियो है और धनी भी मेहमा किसी प्रकार हो कहीं के हर के कृपा करी रे नख तेस धनी रे बिना पद में आदर्शी मेरे करी
और जिते में मशीना चलू हुई भाणजे और भाई और साढ़ू हजार देखिया तो महेंद्र सिंह जी 19 घंटों आंख खोली है और आंख खोली जी टेम में कहो भाई नखत बना मरण को देनी चमत्कारी सिद्धा करियो है सिद्धारी मेहमाने बार बार धन्यवाद है और सिद्ध तारण नालो है मरण नालो कोनी बबूती माते विश्वास रखे जको रो बेड़ो पार करे तो चौकीत्रे बनारी के कौन जीवदान हो और 8 महीना तई डॉक्टर ने कह दियो के शरीर माते पानी मत लगाए ना क्योंकि वो टोंका लगुड़ा पूरे शरीर में कई नेम करी थानी राखनो पड़ी तो 8 महीना तई शरीर रे पानी टच को होन दियो नहीं तो वे टाइम में 8 महीना हालत बड़ी खराब हो गई थी क्योंकि शरीर में कहीं खायो पियो को नहीं शरीर में कमजोरी आ गई हालत बुरी हुई आयुष्य महीने बत्तीस महीने सभी 8 महीना ताई एक ही जगह रहना बड़ो कठिन हुए और जितना भी चेला चौंटी शिकला मिलन वास्ते जावे दयाकोर धामू रामदयाल जी रामलाल जी और नखतमना टाइगर फोर्स छेलू सिंह जी हेम सिंह जी सोलंकी चरण वाला गांव देवी सिंह जी और भाई शिवला मिल परार आया चौकी तरह और चौकी तरह छोटी देव परार घरे आया और धनी की सेवा करनी शुरू करी और नखत बना ने अरदास करी के ले नखत बना घर ने तो आस पोती नहीं भाई पाचा आई कि नहीं आई क्योंकि जिकी हिसाब हो गया भर्ती हो या जिकी हिसाब हो तो बचने की आस पोती नहीं पर राजी खुशी थारी कृपा पाछो घरे आयो आर मने दूजो जलम दियो तो धनी थारा गुण भूलू कौन कहीं सदारा की बिनती करे और कहीं कहे हर के गुण नहीं रे बोलो सीधे आप रे एकदम नयो परचो है महेंद्र सिंह जी शेखावत ने नखतमना जीवित दान दियो जाले वो धाम और रिकॉर्डिंग गुरु कृपा डीजे साउंड सिंध गुरु रिकॉर्डिंग करता तारा चंद जी सोनी और वीडियो एडिटिंग गुरु कृपा डीजे साउंड रिकॉर्डिंग करता तारा कमी सोनी दौलत पर भाई देवीलाल राणा गांव निवासी सरुणा और बजावे भाई प्रेम राणा गांव निवासी सरुणा पैड बजावे सवाई राजा गांव निवासी उधर ढाल बीकाने निवासी जीव बजारिया भाई गौतम गाजरा गांव निवासी उधर गायक गुरुदेव सीताराम ने पंचारियारा शिष्य भिखाराम जागरा और नखतमनारा पुजारी भसाराम जी खाती हाजरी मैंने बना रहे आदरी भजन संध्या सिंध गुरु एक श्याम नखतमना के नाम
शेखावत ने बना परचो दियो जीवत दान दियो आर धनी रो धोपियो सामियो आर धनी की कृपाओं सेवा करनी शुरू करी दुनिया रमीने नकद बना केवरे बड़ा भगत आजे तो मेला घना भराना है घना मंदिर फटना है और सितारी मेहमा करी बाबूदार सीधा दे की जय। इसी प्रकार महेंद्र सिंह भगत ने परचो दियो बोली भगत और भगवान की जय।